तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं गंजी पे दिख रहा हूँ और अपना दुकान जो है ओपनली पूरा दिखाएंगे। और ये जो है ब्लॉग टाइप का वीडियो है, हर चीज कौन कंपनी का मशीन है और हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और मेरे दुकानों में क्या क्या चीज है और क्या नहीं है। और घर पे भी कुछ सेटिंग किया हूँ आप सभी को जो है कंटिन्यू वीडियो देने के लिए। तो चलिए यही हम दिखाने वाले हैं। और मुझे जो है काफी कीड़ा मार दिया है, ठीक है, और घाव जहां तहां हो गया है कीड़ा का, इसलिए जो है गंजी पे दिख रहे हैं और हाफ पैंट में दिख रहे हैं, देख लीजिए। और अपने शॉप में है तो चलिए मैं दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे जो है कीड़ा बहुत जोरों का मार दिया है दोस्त। और ये देखिए, ये तो देखने के बाद आप लोग काफी अचंभव में हो जाएंगे। ये देखिए काफी कितना डेंजर, तो आप सभी को जो है रियलिटी मालूम चलने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आप लोग जो है अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ का कमी है। और आप जो है कुछ कुछ कंपनियां बताएंगे कि इस कंपनी का हम मटेरियल यूज़ करते हैं, आप किस कंपनी का यूज़ करते हैं और कौन सा कंपनी ज़्यादा हेवी होता है, अच्छा होता है, तो आप लोग भी मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही बारीकी से, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट पूरा देखने के बाद जो है आपको भी कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है। ये कुछ ये लोकेशन है मेरे जो गेट है ना, वहाँ से एंट्री करने पे। और मैं दुकान में जो है काफ़ी महीनों दिन 2 महीने के बाद जो है मैं एंट्री कर पा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समय दे पा रहा हूँ, क्योंकि तबीयत खराब था वाइफ का, आपको तो कुछ पता ही है। मम्मी का भी ऑपरेशन वगैरह कराना था तो वो भी कैंसिल हो चुका है वाइफ के तबीयत की वजह से। तो अभी इतना कुछ दिखा दिया आप सभी को, अब जो है बारीकी से हर सामान को दिखाते हैं। नहीं तो चलिए, ये जो मेरा इंटरलॉक का मशीन है तो हमने जल्दबाजी में जो है खरीद लिया, और कोई भी मशीन हमने नाम से नहीं खरीदा है ये कौन सा अच्छा है कौन खराब है। जो चल गया अच्छा खासा वो अच्छा है, जो शिकायत हो गया वो। तो ये देखिए सिलिकॉन का है, नहीं ये जो है मशीन सिलिकॉन का है, सीविंग मशीन पावर, ठीक है, ये इंटरलॉक का है। और इंटरलॉक में धागा लगाने का भी हमने वीडियो बनाया है, तो देखिए जहाँ तहाँ कपड़ा बिखरा हुआ है, ये जो है अल्ट्रेशन के लिए आया हुआ था बनाने। तो ये तो देख लिए, अगर इसका जो है धागा लगाने वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा कि इंटरलॉक में धागा कैसे लगाएं आर एस फैशन, मेरा ही वीडियो आ जाएगा। और ये देखिए, ये जो है जैक जो मशीन लिए है ना उसी का ये कवर है, और इसमें जो है कपड़ा सब रखा हुआ है अल्ट्रेशन का। और ये रहा मेरा उषा का अम्ब्रेला मशीन, ठीक है, और काफ़ी ये जो ये मशीन जो है काफ़ी मजबूत है। और ये रहा आकाश का पीको मशीन, जिसको ये लेडीज लोग सिलाई कढ़ाई और पीको तीनों ये एक ही काम करता है, तो ये इस नाम से फेमस है 3-in-1, नहीं तो ये जो पीको ही मशीन है। और ये रहा मेरा हिमालय का मशीन, ये देखिए ये हिमालय का मशीन रहा। और ये रहा मेरा काउंटर, ठीक है, ये देखिए काउंटर रहा। और ये रहा गेट, मेन गेट का नज़ारा। और काउंटर कपड़ा जो है ऑर्डर काफ़ी कम हो चुका है, बिल्कुल काफ़ी मंदा यहाँ चलता है काम, काफ़ी देहात में है, और जो फार्मूला हमने बताया है वही फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कपड़ा भी दिख रहा है, ये देखिए ऑर्डर का। और हमने जो है 1.5 महीने से दुकान में काम किया ही नहीं, और इसलिए वीडियो आप सभी को कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था। और चलिए ये देखिए, ये पानी का बोतल रहा है, ये स्केल रखने का जगह है, और स्केल जो यहाँ रखा हुआ है अभी कोई काम हमने किया ही नहीं है। और ये आज के डेट में काफ़ी ये ज़रूरी हो गया है, ये हमेशा आप रखना ही चाहिए, नहीं हमेशा के लिए, क्योंकि कोई बीमारी आता जल्दी जाता नहीं है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट, सेफ्टी ज़रूरी है। और ये रहा मेरा आयरन स्टीम, नहीं ये देखिए वहाँ टंकी रखा हुआ है, और किस तरीके से हम मॉडलाइज किए हुए अपने से वायरिंग किया हुए हैं वह सब ये देखिए, कपड़ा रखने का जो है हम खुद अपने से ही बनाए हुए हैं सब टूल्स ले आकर। और ये जो है मटेरियल चिपकाने का, ये जो है पेस्टिंग वगैरह करने का ये जगह रहा, ये आयरन रहा, और पेस्टिंग जो है सब यहीं पे रखते हैं। और ये जो है मेरा ये भी एक आयरन ही है, लॉन्ड्री आयरन, काफ़ी टेलरिंग में ये बहुत अच्छा है, काफ़ी हीट होता है अच्छा। और ये रहा मेरा गैस आयरन, जैसे कि बरसात हो गया, भादों हो गया, ये सब में क्योंकि कोट जो काम करता है ना तो काफ़ी ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि वो सब शादी ब्याह काम रहता है वो तो मानेगा नहीं। ये रह गया मेरा छोटा इन्वर्टर, जब लाइट कट जाता है तो एक बॉल जलाने के लिए है।
और ये रहा मैंने इसमें धागा वगैरह टूल्स वगैरह कुछ सामान रखते हैं। और ये रहा मेरा जेवियर का जेब्रोनिक्स का ये होम थिएटर। ये देखिए किस तरीके से पूरा गंदा लगा हुआ है, पूरा झोल उल सब लग गया है दोस्त। इसको सबको जो है सफाई करना है अच्छे तरीके से। और जो है चलिए अब डीपली चीज़ को हम दिखाते हैं आप सभी को। और ये जो स्केल है दोस्त, ऐसा स्केल जो है आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन से आप ले सकते हो। काफ़ी महंगा है, काफ़ी मजबूत है और ये जो है काफ़ी बेस्ट है। और ये इसका जो थ्रेड होता है ना, सेब वगैरह सब बेस्ट होता है, रियल होता है नहीं। और ये देखिए मॉडिफाई जो है अपने से हम किए हुए हैं कपड़ा पैंट टांगने के लिए। इधर जो है लेडीज वगैरह सूट वगैरह टांग देते हैं, कोट वगैरह टांग देते हैं। और ये जो है अपने पर्सनल मीटर लगाए हुए हैं। फिर भी जो है अपना जो है खुद का कनेक्शन हम ले चुके हैं, बिजली का अभी लगा नहीं है खुद का, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है सेफ्टी अपना से रहता है। तो कितना बिल आया नहीं तो ऑटो मालिक आता है कि आप मोटर यूज़ कर रहे हो, बड़े बड़े मशीन यूज़ कर रहे हैं। और जैक का जो है मशीन हमने घर पे लेके चला गया है और ये भी आयरन जो है मैं घर पे लेके चला जाऊंगा। और वहाँ पे स्पेशल जो है मैं आप सभी के लिए ही काम करूँगा नेट पे, लेडीज और जेंट्स का अच्छे तरीके से सिखाएंगे। और वहाँ पर जो है टाइम एक्स्ट्रा निकाल के वहाँ अच्छे 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 डिजाइन बनाना है। और ये देखिए ये जो है शॉर्ट कोई ऑनलाइन करके जो है मुझे फोटो दिखाया था कि मुझे ऐसा ही सिलाना चाहिए, तो ये ऐसा ही डिजाइन जो है हमने उसका बनाया है। नहीं ये देखिए चेस्ट के ऊपर जो है पूरा अच्छे तरीके से डिजाइन है, काफी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। खैर इसको छोड़िए, छोड़ते हैं। और ये जो तकिया हमने बनाया हुआ है कि कभी प्रेस वगैरह ज्यादा देर तक करना होता है तो आसानी से बैठने पर जो है काफी राहत मिलता है। तो आई होप मैं बता दूं कि अब जो है ये देखिए पेस्टिंग वगैरह जो होता है इसमें हम रख देते हैं। तो ये देखिए ये फेमस आदमी आ चुके हैं क्योंकि मदरसा का ये जो है पर्दा वगैरह सीना है, तो ज्वाइन करेंगे लोग सीएंगे। दुकान का जो है ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, मैं सोचा कि चलो भाई मैं दुकान पे आज आया हूँ तो आज का नज़ारा दिखा दे आप सभी को। और कैसा नज़ारा दिखा मेरे दुकान का आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और आई होप हम उम्मीद करते हैं कि हमसे मेरे दुकान से भी जो हालात है इससे अच्छा आप लोग का हालात होगा, क्योंकि हम तो दुकान पे आ ही नहीं रहे थे। ये देखिए कीड़ा यार हर जगह मार दिया है, मैं क्या करूँ मजबूर हूँ, इसीलिए आपको हाफ पैंट और ये गंजी पे दिख रहा हूँ। और चलिए आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और ये लोग जो है आ चुके हैं मदरसे का काम करने के लिए, तो ये लोग ज्वाइन करेंगे और हमें भी कुछ काम है तो भी करेंगे। तो ये ब्लॉग कैसा लगा पर्सनली दुकान का तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी का काम का हालात कैसा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग जो है कौन कौन सा सामान यूज़ करते हैं वो सॉरी हमने तो भूल ही किया बताने के लिए, तो हम जो चैन यूज़ करते हैं वो ये देखिए पैंट का जो चैन होता है सब बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। YKK का चाइनीज़ है, YKK का ठीक है ये चाइनीज़ चैन है। इसका खासियत क्या लगता है कि अगर हाफ खोल कर भी अगर खींचा जाओगे तो ये लॉक नहीं टूटता है, खुलता नहीं है ठीक है। और ये देखिए ये जो है मेरा चाइनीज बेल्ट हम यूज करते हैं, काफी मजबूत होता है और मुड़ता नहीं है। जो बेल्ट पुराना का जो चल रहा था ना वो मुड़ जाता था, बस चाइनीज बेल्ट यूज करते हैं सलवार के मोहरी में भी। और कोट वगैरह में जो है ये आपको यूज करते हैं, अभी तो मेटेरियल सब घटा हुआ है कहाँ है कहाँ नहीं है। और लेडीज कोई आइटम हो जाता है डिजाइन वगैरह सब यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए स्टोन वगैरह सब रखे हुए हैं, ये बटन हो गया। और वीडियो लंबा होते जा रहा है। और जो है जो कॉलर यूज करते हैं 16-16 कॉलर यूज करते हैं, शॉर्ट का जो कॉलर यूज करते हैं। और आई होप जो भी यूज करेंगे आपको जो है जो भी शॉर्ट पैंट जो भी बताएंगे तो मटेरियल के साथ अच्छे तरीके से बताएंगे। जितने भी सीने के मेरे पास तरीके हैं, कोई इतने स्टाइल में पैंट सीते हैं, कितने स्टाइल में शॉर्ट सीते हैं, सब हम वीडियो बनाने वाले हैं चैनल पे। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट बार है मेरे चैनल पे तो। और आई होप अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक जो है आप लोग वैसा हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें।